गांव में एक बुद्धिमान और नेक बच्चा था जिसका नाम रामू था। वह बड़े ही ईमानदार और नेक दिल का बच्चा था। गांव में सभी लोग उसकी अच्छाई और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। एक दिन रामू ने अपने गांव के पास एक जंगल में चला जाने का फैसला किया। उसने अपने मित्रों को भी साथ लेने के लिए कहा, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। रामू ने तब भी हार नहीं मानी और अकेले ही जंगल की यात्रा पर निकला। जंगल में वह बहुत सुंदर और आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला, लेकिन जब रात होने वाली थी तो उसने महसूस किया कि जंगल कितना डरावना हो सकता है। रात के अंधेरे में वह एक गुमशुदा रास्ते में फंस गया। उसने चीखते हुए अपने मित्रों की याद की, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर रामू ने अपने दिल की आवाज को सुना और एक नए रास्ते की ओर बढ़ा। उसने धैर्य से और अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल के भयानक रास्ते को पार किया। सुबह होते ही रामू गांव के सफलतापूर्वक वापस लौटा और अपने अनुभव का साथ लेकर आया। उसने सीखा कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए धैर्य और साहस बहुत जरूरी होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। रामू की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।